ललितपुर की तहसील तालबेट में आयोजित कार्यक्रम में भाषण की मर्यादा भूले मंत्री। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसी शासकीय कार्यक्रम में आए हैं या लाफ्टर शो देख रहे हैं। मंत्री जी के भाषण ने लाफ्टर शो और कपिल मिश्रा को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ललितपुर के महरौनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्री जी कभी प्रभारी मंत्री रहते हुए पौधों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बताते हैं जीवन के लिए आवश्यक, तो कभी महिला सशक्तिकरण के नाम पर छात्राओं को चाकू रखने और जरूरत पड़ने पर मारने की देते हैं नसीहत। मंत्री जी के भाषण कपिल शर्मा से भी ज्यादा मजेदार होते हैं। सुनिए हमारे माननीय मंत्री जी गणतंत्र दिवस के मंच से क्या दे रहे हैं भाषण। आज 26 जनवरी के उस पक्ष में मना रहे हैं जो वास्तव में 72वां ये गणतंत्र दिवस। सही रूप में तो यही है कि जिसने जो काम करके दिखाया है उसको कोई कहता नहीं है, और जो आगे की है, अरे तुम्हारा 4-5 मोड़ी मोड़ा हो गया वृंद भैया, ये थोड़ी है दायरा भक्ति, ऐसा नहीं। हमेशा ध्यान से काम करो, ईमान से काम करो, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेश कदाचना, ऐसे कर्म करो कि जिसमें आपका नाम रोशन हो, आपके बाप का नाम रोशन हो, आपके बब्बा का नाम रोशन हो, आपके तालबेट का नाम रोशन हो। ये थोड़ी कोई तरीका है कि जितना मोदी और योगी कर रहे हैं, जिसने आज 6.5 साल में कोई छुट्टी नहीं दी, इस बात को कोई कहता नहीं है। आप बताओ ना, गॉड इज वन, गॉड इज द ग्रेट, इस संसार में कोई नहीं है, yes, श्री राम है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ऑन दिस टाइम। इस बात को नोट करें आप लोग, ध्यान रखें, yes, श्री राम कि वो भी आखिर इंसान है। ये रोडों का जाल जो बिछा दिया गया है कि जब से देश आजाद हुआ किसी ने बिछाया है, पूरा परिवारवाद फैलाते हैं, और हमारे जी हमारे परिपाव ने हमारे रिश्तेदार यही सब बन, यही समाजवादी में जी, कांग्रेस में जी, हर जगह ये भाजपा है। प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, मैं आपके चरणों में हूँ, साफ बात करता हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ। जो काम जिसने किए हैं उसकी आत्मा में ये लगे कि हाँ भाई मन्नू पूरी मेरी तारीफ कर रहा है, ये तो बात ठीक है। अब ये थोड़ी है कि तुम ये काम होना होगा, अरे जो काम होने लायक होगा खड़े खड़े करवा लूंगा, खड़े खड़े, अरे खड़े खड़े करवा लूंगा भाई, बात सत्य है। लेकिन अब वो ढिंडोरा जी को देखो, वही बत्ती नहीं फिर ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे पाठक बेचारे प्रोहित जी ने एक शब्द कहा, उसी को पकड़ गए सबने। महाराज कृष्णानंद महाराज जी बैठे हैं, तो बात को समझ करके उतनी बात करो और आगे की व्यवस्था बनाओ, आगे की कोई अच्छी बात रखो जिससे उस बात का कार्यक्रम चले। मैं बताऊं कि हमारे चौबे जी ने बताया बल्कि कि जब से देश आजाद हुआ, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, ललितपुर जिले की बात करता हूं, और महरौनी विधानसभा की भी बात करता हूं, 75 जिलों में 52 जिला गया हूँ, कभी फोर व्हीलर से, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी ट्रेन से, कभी हवाई जहाज, भगवान की लीला है ये तो है? ना तो फतरा फोर रहे होते धोरना की खजाना में, तो इस बात का ध्यान हमें रखना है। हमारे माँ बाप ने ऐसे कर्म किए कि जिनकी कृपा से हम यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ ड्राइविंग की है मैंने, श्री कृष्ण भगवान का चक्र घुमाया है। उनका तो आगे आगे जाता था, हमारा आगे भी जाता था और पीछे भी जाता था। अब जब सिंगल रोड थी जब है, अब आपको 2 लाइन दे दी, 4 लाइन दे दी, 6 लाइन दे दी, आगरा एक्सप्रेस दे दिया, आपको कौन सी कमी है? हाँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी दे दिया, हमारे यहाँ 60-70 करोड़ के 4 पुल दे दिए, वो काम लग गया। अब पवा कर भी चलना है, नहीं अब मैं चूकूंगा थोड़ी, जब सब टाइम लेंगे तो मैं भी टाइम लूंगा। हाँ, ये थोड़ी सूरा माटे रेवड़ी चीन चीन के लिए ये नहीं है। ये काम वो है कि जिसमें सत्य बात कहना है, जिसमें अच्छा लगे, आदमी हंसता रहे और जीवन बढ़ता रहे,
उम्र बढ़ती रहे, वो काम करो ना। अब अपन कुतल्या ही नहीं करते हैं किसी प्रकार, ईमानदारी का काम करते हैं, साफ बात करते हैं। क्यों? इस जीवन में एक से एक महान नेता हुए हमारे, आप देख लीजिए, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने भारत की सेना में बढ़ाया और उन्होंने काम किया, आज देश को आजाद कराए, चंद्रशेखर आजाद है, आपके भगत सिंह जी, आपके ये जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दो दिन में खेल कर दिया था, साफ मैन वो फिर हुआ, वो क्या है वो निजाम हैदराबाद। हाँ, तो ये काम होते हैं ऐसे जैसे मोदी जी योगी जी कर रहे हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई कहीं पीछे नहीं लग पा रहा, पूंछ नहीं पकड़ सकता ना हिला सकता है। हनुमान जी की जब लंका में पहुंचते हैं तो सीधी रावण की पूरी हस्तियां खत्म कर देते हैं, 1 लाख पूंछ सवा लख नाती जी के बचे दिया ना माती, देव पुरुष है वो, मोदी योगी की कोई संतान नहीं। रोहित जी आप मालूम है, आप जानते हैं, समझते हैं, सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है, उसको हम और आप सब उनका परिवार है और देव पुरुषों का परिवार, हमेशा उनकी मानता सम्मानता उनको करना हमारा फर्ज है। हम आपके चरणों में रहते हैं, हम हर जगह कहते हैं और वास्तव में रहते हैं, तो इसमें हर काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से। तो काम तो अब इतने हम गिनाएंगे तो हमें आधा घंटा लग जाएगा, तो ये बात समझ लो कि आप समझदार हो। फिर तालगढ़ के तो इतने बड़े नेता हैं कि एक नस नस में खून के अंदर नेतागिरी भरी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी नेतागिरी भरी है। वैसे मैं भी यही का हूँ, तालगढ़ का, चौबियाने का, मेरा मेरे पिता माता पिता यही रहते थे, पर वो जाखरौन गए, जाखरौन से धौर रह गए, मोहम्मद तुगलक ने राजधानी बदली थी जैसे दिल्ली से धौलताबा, ऐसे बदलते रहे और फिर डाकुओं ने भेंजू भगाओ हमारे, डाकुओं ने पत्र लिखा, पत्र लिखते हैं उनने कहा कि हरजुआ गोरी साली इतने 1000 रुपया दे देना वरना तुम यहाँ से ट्रक लेके नहीं जा पाएगा, लेकिन भगवान की कृपा थी, किसी ने मदद की राधे से हम भोलेनाथ ने, तो वहाँ से ट्रक लेके हम लोग आ गए, वहाँ से 7:45 में पढ़ते थे जब, अब यहाँ पे 12 तक। हाँ भाई, अगली जी में परीक्षा ही नहीं गई, वो खदेरो खदेरो परे सो, हमारे पिताजी हैं, परीक्षा तो 3 महीना बाद हमने लखनऊ में दे दी बर्णी कॉलेज में। तो ये सब बातें हैं, समय तो बहुत है और इस समय का कोई भरोसा नहीं है, अपना काम जितना जल्दी हो अपने करवाओ, हम आपके साथ हैं, लेकिन जनता मत बढ़ाओ इतनी कि तुम्हारे वे वोटर नहीं बन पावे, और वोटर बना लो उतने हो सो हम जीतना गौ सो हम विधायक जी, हमें अध्यक्ष जी हैं और हमारे अनुराग शर्मा जी हैं, हम खड़े खड़े काम करवा देंगे। ये बात नोट कर लेना, मैं जालाना कुछ कहते हुए, हाँ सीधा लोकार्पण हमारे माननीय विधायक जी, और मैं फिर से द्वारा आप सभी के चरणों में अपने शीश नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये नहीं ओपन जिम पार्क आप सबने किया, दी हमने किया पाए तो उनमें कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के फिर फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बन रहा है। हाँ, ये ओपन जिम अब इतने ओपन जिम में गर्मी में तो आनंद आएगा, ठंडन में तो इतना नहीं गया, गर्मी में ठीक है, ठंडन में युवा साथी सब लोग आएंगे, अच्छी बात है। और मैं मुक्ता सोनी का इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि ये बहन मेरी सभी बहनें हैं, लेकिन मुक्ता सोनी 3री बार बनी है और इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, जैन साहब बीच में नहीं बोलूँ आपको, मैंने इनसे नाटक बढ़ाया है पूरा। तो मुक्ता सोनी वो महिला है, मैं बहन मानता हूँ, इतना काम इनने कराया है, इसमें इनमें संतोष इतना नहीं है कि अब और काम करवाने तो और भी होगा, लेकिन वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तालवेट के अंदर, और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं बहन जी आपने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ स्वर्ग वर्षा दिया है,
तालाब के किनारे स्वर्ग बरसा दिया। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं चार लाइन मोदी और योगी के बारे में कहूंगा कि सोई हुई जनता थी उसको जगा दिया, बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा दिया, गरीब मजदूर किसान और जवान बन सकता है हाकिम, मोदी जी योगी जी ने ऐसा करके दिखा दिया, ऐसे करके दिखा दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। मंदिर बनने जा रहा है और अयोध्या में ऐसा मंदिर विश्व के अंदर बनने जा रहा है कि कहीं विश्व में ऐसा मंदिर नहीं होगा। जैसे मैंने अभी नाम लिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है, ऐसे विश्व के अंदर कोई मूर्ति नहीं। तो आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को वंदन अभिनंदन और जन वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।